यही वो विश्व की सबसे ऊंची गद्दी, सबसे बड़े गुरु वेद व्यास की व्यास गद्दी। वृक्ष देख रहे हैं, ये 5099 साल का प्राचीन अक्षय वट है द्वापर। हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं जहाँ पर आया हूँ वही ये वेद व्यास गद्दी है। यह स्थान चक्रतीर्थ से मात्र 700 मीटर दूरी पर है, और अगर बात करें हनुमानगढ़ी से तो वहाँ से 900 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए आप 10 से 20 रुपये ऑटो वाला लेगा, आपको सीधे उतार देगा वेद व्यास गद्दी। हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं जहाँ पर आया हूँ वही ये वेद व्यास गद्दी है। ये नैमिष का एक प्रमुख स्थान है, यहाँ पर जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है यहीं पर महर्षि वेद जी ने 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र का लिखन पाठन सब यहीं पे किया था। भाई ये मंदिर जो है, जो वेद व्यास गद्दी है, ये जस्ट गोमती नदी के किनारे स्थित भाई, मतलब नैमिषारण्य क्षेत्रीय है। लेकिन आप मंदिर में आएंगे तो यहाँ से आप गोमती नदी के नज़ारे देख सकते हैं अच्छे से, और वो गोमती मैया बह रही हैं। और ये हम लोग मंदिर के जो बैकग्राउंड है पीछे का हिस्सा, वहाँ पर खड़े हैं। यहाँ के हिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में यहाँ के पंडित जी से कुछ थोड़ी बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। ये जो सामने में पिरामिड सा देख रहे हैं, इसी को व्यास गद्दी कहते हैं। व्यासदेव के टाइम में ये चबूतरा था जहाँ व्यास जी बैठे, वेद पुराण भागवत महाभारत सत्यायन कथा सब ग्रंथों को यहीं बैठ के लिखा। फिर अपने शिष्य सूत जी, शौनक जी, बेटे सुखदेव जी को ज्ञान दिया। उस बैठे हुए स्थान पर दोबारा कोई पापी जीव इधर बैठे ना। इस भूमि की सुरक्षा के लिए ऋषियों ने विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हुए उसको ऊंचा टीला बनाया। यही वो विश्व की सबसे ऊंची गद्दी, सबसे बड़े गुरु वेद व्यास की व्यास गद्दी। यहाँ पर भगवान गणेश जी और वेद व्यास जी समागम हुआ था। यहीं पर गणपति का आह्वान किया, श्री गणेश हुआ, श्री गणेश करके वेद व्यास ने ग्रंथों को लिखा, जिससे पढ़ करके हम और आप अपना कल्याण कर रहे हैं। अगर व्यास जी न होते तब ज्ञान शून्य होते हैं, विवेक बुद्धि नहीं होती, लोग सब जानवरों जैसा ही आचार व्यवचार करने लगते हैं। इसलिए हमको प्रभु ने बुद्धि दी, तो उसी बुद्धि का हम लोग कैसे प्रयोग करें, इसका ज्ञान देने वाले वेद व्यास। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। और इसके पास में 2-3 मंदिर हैं, वहाँ पर भी जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। और पास ही में बनी है यज्ञशाला, वहाँ पर जाकर जहाँ पर वेद व्यास जी यज्ञ किया करते हैं, आज भी वो सारी चीज़ें पर प्रिजर्व करके रखी गई हैं, और वहीं पे यज्ञ होता है। और उसके आगे मन सतरूपा तप स्थल है। पवित्र अष्टकोणीय शौनक आदि 88,000 महर्षियों की यज्ञशाला है, जहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज के द्वारा 1,000 वर्ष तक चलने वाले दीर्घ शस्त्र का ज्ञान यज्ञ किया गया। इस पवित्र अष्टकोणीय यज्ञशाला का महत्व अनेकानेक पुराणों में वर्णित है कि नैमिषारण्य में आदि गंगा जी के उत्तरी तट पर विराजमान गोमती जी के तट पर इन शौनकाद ऋषियों ने कलि काल के मानव कल्याण के लिए हजारों वर्ष का दीर्घ सत्र किया। ये परम पवित्र शौनक जी महाराज हैं, जिनके माध्यम से आज हम भागवत कथा शतगण भगवान की कथा सुनते हैं। यही शौनक आदि 88,000 ऋषि सत्यव्रत कथा का प्रारंभ करते हैं और भागवत जी की कथा का प्रारंभ करते हैं। इन ऋषियों के माध्यम से सद ग्रंथों की प्राप्ति करते हुए आज ऐसी पवित्र यज्ञशाला का हम दर्शन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र को नैमिषारण्य का नाम दिया गया। इन शौनकाद ऋषियों की कृपा से
आज कलि काल के समस्त मानव कल्याण के लिए इस अष्टकोणी यज्ञशाला में ऋषियों ने यज्ञ किया। आज के 500 वर्ष पूर्व महाप्रभु वल्लभाचार्य जी यहाँ पर आए और अदृश्य विराजमान 88,000 ऋषियों का दर्शन प्राप्त करते हुए उन शौनकादि ऋषियों को पुनः तीन पैर में भागवत जी का प्रवचन करके वैष्णव संप्रदाय को पुष्टि मार्ग की स्थापना का वर्णन दिया। ऐसी भूमि पर आप सभी भक्तों के शुभ मंगल की आशीर्वाद कामना करते हुए पुनः पुनः आपसे सभी भक्तों को नैमिषारण्य दर्शन का लाभ प्रदान हो रहा है। जय श्री राम। ये जो वट वृक्ष का आप पेड़ दिख रहा है, ये 5,900 साल पुराना है और ये इसी जगह पे बैठकर वेद व्यास जी अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। भगवान व्यास जी के दर्शन के लिए अब आपको वो पेड़ दिखाते हैं जहाँ पर व्यास जी बैठा करते थे, हमारे पीछे देख सकते हैं। अभी जो यहाँ पर महान जी बैठते हैं उनसे थोड़ा बात करते हैं यहाँ के बारे में, वृक्ष के बारे में। ये जो आप लोग वृक्ष देख रहे हैं ये 5,999 साल का प्राचीन अक्षय वट है द्वापर काल का। इसी अक्षय वट के नीचे में कालांतर में व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी, सूत जी, सौनक आदि 88,000 ऋषियों को पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला वेद भागवत ग्रंथों का उपदेश किया है। ये अक्षय वट पूरी पृथ्वी के ऊपर 5 अक्षय वट बताए गए। हमारे ग्रंथानुसार पृथ्वी पर 5 अक्षय वट है। सबसे पहला अक्षय वट है गया जी में, जहाँ पर माता जानकी ने दशरथ जी महाराज को पिंड दान दिया। दूसरा अक्षय वट ये नैमिषारण्य पितरों का नाभि गया, भागवत कथा का प्रारंभ भूमि। तीसरा है शुक्रताल, जहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सप्ताह भागवत का सुनाया, जहाँ से 7 दिन की भागवत चालू हुई। चौथा वृक्ष है प्रयागराज में, जहाँ पर काक भूसंडी जी महाराज का संवाद हुआ है। पांचवा वट वृक्ष है बोटानिकल गार्डन कलकत्ता, कपिल महामुनि का स्थान, जहाँ से आप गंगा सागर जब जाएंगे तो वहीं से दर्शन करते हुए जाएंगे। इन वृक्षों के नीचे में पितृ देवताओं का वास रहता है। सर्व मनोकामना सिद्धियां प्रदान करने वाले ये अक्षय वट हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये सुखदेव जी महाराज हैं, व्यास जी के पुत्र राधे राधे। व्यास गद्दी के सामने ही वो स्थान है जहाँ पर मनु और शत्रुपा ने तपस्या की थी। ये सृष्टि के प्रथम पुरुष और महिला माने जाते हैं विष्णु पुराण के अनुसार। तो यहाँ पर जाकर भी आप दर्शन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है और मंदिर के अंदर मनु और शत्रुपा की फोटोज़ या फिर बोल सकते हैं मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये व्यास मंदिर है, व्यास गद्दी है, सूत गद्दी भी यहीं पर। तो यहाँ पर ऑटो से आप आ सकते, 10 से 20 रुपए लेंगे, छोड़ देंगे यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं नए जगह नए टॉपिक के साथ। जय जय भारत।